राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। जिला सीतापुर कस्बा लहरपुर मोहल्ला बारादरी के रास्ते की समस्या को रामलखन जायसवाल ने उजागर किया। वहां रह रहे स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या बताई। कस्बा लहरपुर में आदर्श नगर पालिका होने के बावजूद अभी भी कस्बे के कई रास्तों के निर्माण बकाया, जिनके लिए नगर पालिका को संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ वही जनता है। उन्होंने चेयरमैन साहब को वोट दिया था, इसलिए चेयरमैन का फर्ज बनता है कि इनकी समस्या का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। जिला रिपोर्टर कौशल कुमार, अतुल कुमार। देख सकते हैं कितनी यहाँ पे गंदगी है और ये रास्ता 25-30 साल से जैसे किसी ने सोचा ही नहीं ना बनाया। इसकी ये माता जी बता रही, ये बहन जी बता रही हैं कि यहाँ एक बार हसीन भाई भी आए थे, इसको नाप गए थे, लेकिन ये बना नहीं है। तो इसकी हालत कितनी खराब है, आप जरा घर की तरफ जरा कैमरा घुमाइए, देखिए। अगर ये बारिश आएगी, ये तालाब है, तो इनके घरों में कितना पानी भर जाएगा ये। तो इसको जासमीर भाई देखिए और इसको बहुत जल्द से बनवाने की कोशिश करें आप। नगर पालिका का पूरा प्रशासन देखे, क्योंकि वहाँ पत्र देने के बाद भी काम नहीं होता। बताइए कितना क्या समस्या आपको? पानी भर जाते हैं, नाला अपने हाथ हम साफ करते हैं। इन लोगों के बताने मुताबिक यहाँ पे जब ये बारिश होती है तो इतना ज्यादा पानी हो जाता है, तो रात में अगर बच्चे उच्चे आ जाए यहाँ तो उनका डूबने का मतलब जान माल दोनों का नुकसान हो सकता है। मैं पूरा आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा देखिए ये। अब ये जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ये देखिए, ये इतना हालत यहाँ की खराब है, ये देखिए आप। इसको प्रशासन देखे, नगर पालिका के अधिकारी भी देखें और इसको बनवाने का देखिए। अब ये हालत जो बीमारी फैली हुई है थोड़ी बहुत जो भी है, ये सिर्फ गंदगी की वजह से है। देख सकते हैं आप, ये तालाब है ये, और ये इनका रास्ता यहाँ से है, ये पूरा रास्ता। ये डॉक्टर ताज से अब तक चेयरमैन जितने भी आए हैं किसी ने कोशिश नहीं की है। ये गरीब परिवार रहता है यहाँ पे, इसको बनवाने की कभी कोशिश ही नहीं की।